नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश। नवजीवन बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है इस वक्त की चार बड़ी खबरें। सड़क हादसे की शिकार हुई उन्नाव रेप पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि एक्सीडेंट के कारण उसके फेफड़ों में चोट लगी है। कुछ समय के लिए पीड़िता को वेंटिलेटर पर भी रखा गया था। उसका ब्लड प्रेशर गिर रहा है। इसके अलावा पीड़िता के दाहिने कॉलर की हड्डी, दाईं ओर की कुछ पसलियां, दाहिने हाथ और दाहिने पैर में फ्रैक्चर है। वहीं पीड़िता के परिजन भी इसे हादसा नहीं मानते। उनका आरोप है कि विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के इशारे पर ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। डिस्कवरी चैनल के मशहूर शो मैन वर्सेस वाइल्ड में जल्द ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। इंटरनेशनल टाइगर्स डे के मौके पर शो के एंकर बेयर ग्रिल्स ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जानकारी दी कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ भारत में वन्य जीव संरक्षण के लिए किए उपायों को लेकर उन्होंने खास कार्यक्रम शूट किया है। पीएम मोदी मशहूर शो प्रेजेंटर से भारत की विशाल प्राकृतिक विविधता और प्राकृतिक संरक्षण उपायों पर भी चर्चा करते नजर आएंगे। भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने भी विराट कोहली को कप्तान बनाए जाने रखने पर सवाल खड़े किए हैं। गावस्कर मानते हैं कि कोहली को दोबारा कप्तानी सौंपे जाने से पहले आधिकारिक बैठक होनी चाहिए थी। मिडडे में प्रकाशित अपने लेख में गावस्कर ने लिखा, अगर चयनकर्ताओं ने वेस्टइंडीज दौरे के लिए कप्तान का चयन बिना किसी मीटिंग के कर लिया तो यह सवाल उठता है कि क्या कोहली अपनी बदौलत टीम के कप्तान हैं या फिर चयन समिति की खुशी के कारण है। जाने माने गायक उदित नारायण को किसी अनजान शख्स ने जान से मारने की धमकी दी है। उदित नारायण ने कहा कि पिछले एक महीने से अज्ञात शख्स उन्हें कॉल करके जान से मारने की धमकी दे रहा है। उन्होंने कहा कि इस धमकी से परेशान होकर दो हफ्ता पहले अम्बोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि धमकी देने वाले अज्ञात शख्स ने उनसे कोई पैसे की डिमांड नहीं की है। पुलिस को ये नंबर बिहार का लोकेट हुआ है।